जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों, राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2024 को लेकर के ताज़ा खबर आई है। सरकार ने नोटिस जारी किया है, वो नोटिस भी हम आपको दिखाने वाले हैं स्क्रीन के ऊपर, और जो भी खबर है वो खबर भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाने वाले हैं। इसमें क्या है साथियों, NFSA पोर्टल चालू हो चुका है, जिसमें 0 से लेकर के 18 साल तक के जो भी बच्चे हैं उनके नाम जोड़े जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, नाम जुड़ना शुरू हो चुके हैं। उसकी जो ताज़ा खबर है वो हम आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इसको देख लेते हैं। और महिलाओं के नाम भी जोड़े जा रहे हैं, और 0 से लगा करके 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनके नाम भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं। आ जाओ भाई, ताज़ा खबर को हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। देखो जी, जो ताज़ा खबर आई है वो देख लेते हैं। यह है राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2024 राशन कार्ड योजना, 0 से लेकर 18 साल के बच्चों का नाम जुड़ना शुरू। NFSA पोर्टल चालू हो गया, नोटिस जारी हो गया है साथियों। अच्छा, अब उस नोटिस को भी हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं, देख लेते हैं। देखो जी, ये रहा तुम्हारा नोटिस, ठीक है साहब। और जो भी आपके मन में डाउट है, कोई शंका संकोच है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। अगर आप ये नोटिफिकेशन, ये नोटिस जो भी देखना चाहते हैं, तो ये आपको कहाँ पर मिलेंगे साथियों? ये आपको मिलेंगे ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर। तो आप सभी साथी ओमवीर योजना के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर साथियों योजनाओं से संबंधित जो भी खबरें आती हैं, जो भी नोटिफिकेशन आती हैं, सीधी की सीधी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, क्योंकि वहीं पर आपको प्रूफ मिलता है। तो सारा का सारा टेलीग्राम ने ज्वाइन कर लो, योजना से संबंधित कोई भी खबर आओगी योजना की, सीधा की सीधी टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी, ठीक है साहब। अब देखो, इसको देख लेते हैं। राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, आयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान जयपुर, दिनांक 5 अगस्त 2024 की यह खबर है साथियों। 5 अगस्त 2024 की यह खबर है, जिसमें विषय क्या बताया गया है, विषय को हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चयनित राशन कार्डों में नए सदस्यों के नाम जोड़ने हेतु ऑप्शन उपलब्ध कराने बाबत, यानी कि साथियों ऑप्शन उपलब्ध करवा दिया गया है अब। अच्छा, अब इसमें देखो, इसमें यह है कि प्रमुख शासन सचिव खाद्य की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 26 जुलाई 2024 में प्रदत्त निर्देशों की पालना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित राशन कार्डों में नए सदस्यों, विवाह उपरांत पुत्र वधु यानी कि जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के भी नाम जुड़ रहे हैं। अब महिला कौन सी है साथियों? ऐसी महिला जिसने पहले, जब राशन कार्ड में नाम जुड़ना शुरू हुए थे आज से 4-5 साल पहले, तो उसने अपने माता पिता के राशन कार्ड से तो नाम हटवा दिया था, अपने ससुराल में नाम जुड़वाया था, लेकिन ससुराल में नाम जुड़ नहीं पाया था साथियों। इस वजह से अब उस महिला का नाम ना तो अपने माँ बाप के राशन कार्ड में है, ना अपने ससुराल वालों के राशन कार्ड में है। तो उन महिलाओं का नाम अब जोड़ा जा रहा है साथियों, और वो कैसे जोड़ा जाएगा? वो ऐसे जोड़ा जाएगा, उसके ससुराल वाले राशन कार्ड में जोड़ा जाएगा। तो उसको NOC की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है साहब। NOC कहाँ से लाएगी? अपने पिताजी के जो राशन कार्ड है वहाँ से NOC जारी होगी भाई, पीहर से। अच्छा साहब, और फिर अब कहाँ पर जुड़ेगा उस महिला का नाम? ससुराल में जुड़ जाएगा साहब। तो ये तो जुड़ना शुरू है, नाम जोड़े जा रहे हैं। अब देखो, 0 से 18 वर्षीय बालकों के नाम जुड़वाए जाने हैं, और बालकों के नाम भी जुड़वाए जाने हैं, यानी कि बच्चों के नाम भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं। तो अब साथियों आपको जानना कहाँ पर है, इमित्र के पास जाओ भाई, इमित्र के पास आपको जाना है, और जो भी दस्तावेज है वो लेकर के साथ जाएं और अपना नाम जुड़वाएं भाई, ठीक है साहब। अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर देखो जी, अगली ये रही भाई साथियों, ये रही तुम्हारी अगली खबर। भास्कर, राशन कार्ड में बच्चों के नाम जोड़ने के लिए पोर्टल पर अपडेट कार्य शुरू, यानी कि ये काम शुरू हो चुका है, पोर्टल पर नाम जुड़े जा रहे हैं भाई, नाम जुड़ रहे हैं।
बच्चों के नाम भी राशन कार्ड में जोड़ने के आदेश। अब पेंडिंग आवेदनों को का भी निस्तारण किया जाएगा, यानी कि साथियों जो राशन कार्ड जो नहीं बनवा पाए हैं वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी अभी थोड़ा समय लग रहा है, समय तो लगेगा। जो पहले से जिसने आवेदन कर रखा था ना, उनकी जांच शुरू हो चुकी है। भाई पहले राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया था, नया राशन कार्ड बनवाने के लिए, तो उनकी आवेदनों की जांच शुरू हो चुकी है। ठीक है साहब, ठीक है जी। 2022 के आवेदनों का निराकरण भी करेंगे, यानी कि जिसने 2022 के लगभग आवेदन किया था उनका भी यहाँ पर समाधान होगा। और ये पूरी बातें हैं इसमें यही लिखी हुई है, और जो भी इस खबर को पढ़ना चाहता है तो भैया टेलीग्राम पे डाल दी गई है, टेलीग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है जी, मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 में 10 लाख नए परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में नाम जोड़ने की घोषणा की थी। इस घोषणा के लिए अप्रैल मई 2022 में ऑनलाइन आवेदन भरवाए गए। बहरोड ब्लॉक में कुल 5021 आवेदन प्राप्त हुए थे। यह है ताजा खबर भाई। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं, जो महिलाएं हैं उनका भी नाम जोड़ा जा रहा है, दो काम हो रहे हैं। बाकी नए राशन कार्ड कब से बनना शुरू हो जाते हैं इसके लिए भी सरकार के पास नोटिस तो भेज दिया गया है, लेकिन अब जैसे ही उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई होगी तो वो नाम जुड़ना शुरू हो जाएंगे, नए राशन कार्ड बनना भी शुरू हो जाएंगे। और जिसका राशन कार्ड चालू नहीं हुआ है, बन तो गया लेकिन सब ऑनलाइन नहीं हुआ है, चालू नहीं हुआ है, तो उनकी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। जैसे ही कोई ताज़ा अपडेट आती है हम आपको तुरंत साझा कर देंगे, शेयर कर देंगे। ये थी ताजा खबर जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दी है। और इसमें और भी देखो, और भी इसमें बात कही गई है। NFSA में विवाहित महिलाओं के साथ अब 18 वर्ष तक के बच्चों के नाम जोड़ने के आदेश हैं, यानी कि साथियों महिलाओं के नाम भी जोड़े जा रहे हैं और बच्चों के नाम भी जोड़े जा रहे हैं। ई मित्र के माध्यम से आप अपना बच्चों का भी नाम जुड़वा सकते हैं, महिलाओं का भी नाम जुड़वा सकते हैं। ये थी ताजा खबर, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी योजनाएं निकलती हैं तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।